एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपका कुकिंग पैशन चैनल में। फ्रेंड्स, इस समय पे स्वीट्स स्पेशल फेस्टिवल चल रहे हैं, तो मैंने स्पेशल आपके साथ स्वीट्स रेसिपी शेयर की है जो आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं और बिना मावा बिना चाशनी बनाए आसान तरीके से बनने वाला ये स्वीट्स खाने में जितना डिलीशियस है देखने में भी उतना ही अट्रैक्टिव है। फ्रेंड्स, आप इसको ट्राई जरूर करना, इस फेस्टिवल में आपको बहुत पसंद आने वाला है। फ्रेंड्स, आप गेस्ट को भी सर्व करेंगे तो वो भी आपसे जरूर पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया। फिर जितना सुपर सॉफ्ट है, आप इसको ट्राई कर लेंगे तो आप इसके आगे रसमलाई रसगुल्ला का टेस्ट भूल जाएंगे। ये देखिए कितना सुपर सॉफ्ट, आप इसको बनाकर फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। फेस्टिवल में बनाए या आप बहुत ज़्यादा स्वीट लवर हैं, आपको क्रेविंग होती है तो आप इसको बनाकर रख लें, कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। और घर पर बनाकर आप सभी खिलाएंगे तो आपसे रियली सभी दोबारा जरूर इस स्वीट्स को बनवाएंगे और बनाकर ट्राई करना। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो अपना फीडबैक मुझे जरूर बताना और लाइक शेयर कमेंट भी करना। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के फ्रेंड्स मैंने मिल्क पाउडर लिया है, मार्केट में इजीली मिल जाता है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। ये मैंने 1 टेबल स्पून भर के चीनी लिया है। फ्रेंड्स, कम क्वांटिटी में यूज़ करें क्योंकि मिल्क पाउडर भी मीठा होता है, बट अपने हिसाब से आप मीठा एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैंने डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर लिया, जिसको नारियल का बुरादा कहते हैं। और मैंने 15 से 20 काजू लिए हैं, आप टूटा हुआ काजू का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हम इसका ग्राइंड ही करने वाले हैं। और ये मैंने मिल्क लिया है। फ्रेंड्स, आप कोई सा मिल्क ले सकते हैं, बिना बॉयल का या बॉयल रूम टेम्परेचर पे हो, और ऐसा नहीं फुल फैट ही लेना है, आप जो रेगुलर यूज करते हैं उसको ही यूज कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ी सी लॉन्ग ली है। ये ग्रीन फूड कलर लिया है, येलो फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर, 1 टेबल स्पून भर के घी लिया है। और ये मैंने मिल्क मेड लिया है। फ्रेंड्स, आपके पास मिल्क मेड ना हो तो अभी हम बताने वाले हैं, आप फिर भी इस रेसिपी को प्रिपेयर कर सकते हैं बिना मिल्क मेड के भी। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा ही वॉच करना। ये मैंने थोड़ा सा मिल्क पाउडर डिवाइड किया है, मैं अभी आपको बताऊंगी क्यों डिवाइड किया है। ग्राइंडिंग जार में मैंने काजू को डाल दिया, अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए ऐसे फाइन इसको ग्राइंड कर लिया है। अब कढ़ाई में मिल्क को डाल दूंगी, चीनी को भी, मीठा अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, मिल्क पाउडर को भी डाल दूंगी और घी को भी मैंने डाल दिया। अब इसको मिक्स कर लूंगी। फ्रेंड्स, अभी हम इसको बाहर ही मिक्स कर लेंगे जिससे इसमें गुठलियाँ ना रहें, फिर हम इसको गैस पर चढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, बनाना बहुत ही आसान है, तो आप इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करना इस फेस्टिवल में। ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और थोड़े से मिल्क पाउडर में आप देखना 4 से 5 पीस बनकर तैयार हो जाएंगे। फ्रेंड्स, यही स्वीट्स मार्केट में बहुत ही महंगे दाम में मिलेगी। अगर आप देखें कितनी अट्रैक्टिव लग रही थी, खाने में उतनी ही डिलीशियस है। मैंने गैस पर रख लिया है कढ़ाई को, गैस फ्लेम को हाई रखा है और इसको कंटिन्यू चलाते हुए कुक करेंगे। फ्रेंड्स, अभी ये थोड़ा थिक होने पर ही हम गैस को लो करेंगे, अभी हाई ही रखेंगे और आपको कंटिन्यू चलाना क्योंकि ये तली में चिपकना शुरू हो जाता है। ये देखिए डो फॉर्म में आ गया, तो मैंने गैस को लो कर दिया है। अब लो पर ही हम इसको थोड़ा ड्राई होने तक पका लेंगे, जब ये तली को छोड़ना बिल्कुल स्टार्ट करेगा तभी हम गैस को ऑफ करेंगे। ये देखिए मैंने गैस को ऑफ कर दिया, अब इसको ऐसे ही ठंडा होने देंगे, इतने में आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। अब इसमें कोकोनट पाउडर को मिक्स कर लिया, जो मैंने काजू ग्राइंड किए थे उसमें, और 1 टीस्पून भर के मिल्क मेड को डाल दूंगी। फिर सब आपको बताते हैं, अगर आपके पास मिल्क मेड ना हो तो इसी स्टेज पर 2 टीस्पून जितना पीसी चीनी और थोड़ा सा मिल्क को डालकर इसको ऐसे बाइंड कर लें। जो काम मिल्क मेड ने किया वो आप ये प्रोसेस करके भी कर सकते हैं। और इसे मैंने देखिए ऐसे छोटी छोटी लोई से मैं बना लिया है, 4 भाग में डिवाइड कर लिया है क्योंकि मैं 4 पीसेस ही मेरा वो प्रिपेयर होगा, तो मैंने स्टफ करने के लिए बनाया, तो मैंने 4 बनाकर रेडी कर ली हैं। और थोड़ा सा घी से हाथों को ग्रीस कर लूँगी और मिल्क पाउडर वाले मिक्सर को मसल कर थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे जिससे चिकना हो जाए। और अब हम आपको बताते हैं, मिल्क पाउडर को मैंने इसलिए डिवाइड किया था, अगर आपका ये थोड़ा सा ज़्यादा आपको गीला टेक्सचर में लगे, हाथों में ज़्यादा चिपके, तो इसी स्टेज पर आप उसको मिक्स कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, पहले ही डिवाइड मैंने इसलिए किया जिससे मेरा भी अगर हो तो मुझे प्रॉब्लम ना हो, और आपको भी मैंने इसीलिए बताया ये टिप जिससे आपकी रेसिपी ख़राब ना हो। और देखिए मैंने फूड कलर सब में अलग अलग डालकर मिक्स कर लिया है, और इसमें से थोड़े थोड़े पीस हम कट करके हटा देंगे। अभी हम बताने वाले हैं कि आगे इसका यूज हम कहाँ करेंगे, तभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने लॉन्ग क्यों दिखाई है। उसका यूज मैं नहीं करने वाली हूँ, बट मैंने उसको भी आपको दिखाया है ऑप्शन के तौर पे। और एक
बॉल को लेकर मैंने गोल गोल शेप कर लिया है और इसको हम लोई शेप में बना लेंगे, जैसे हम स्टफ पराठा या कचौड़ी बनाते हैं। और काजू और कोकोनट मिल्क मेड जो मिक्स करके मैंने बनाया था उसको इसके अंदर स्टफ कर दूंगी और इसका एक बॉल बना लेंगे। ऐसे ही हम सारे बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए, फ्रेंड्स बनाना बहुत ही आसान है, बट ये बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी लगती है। रियली फ्रेंड्स आप ट्राई ज़रूर करना, आपको बहुत पसंद आएगी, आप दोबारा से इसको ज़रूर बनाएंगे। और ये मैंने प्लाकर लिया है फ्रेंड्स, ये मेरा बिल्कुल साफ़ है, मैं सिर्फ इसका पूजा में दीपक की बत्ती सेट करने के लिए यूज़ करती, फिर भी मैंने इसे दोबारा से वॉश कर लिया है। ये मार्केट में इजिली मिल जाता है, बट आप साफ प्लाकर का ही यूज़ करें। और देखिए इसमें आप देख सकते हैं, पास से आप देख लीजिए, ऐसे इसमें ये डिज़ाइन देना है। अभी फिर से बनने के बाद बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। और आप इसी स्टेज पर ये भी कर सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा ये चिपक रहा हो तो आप थोड़ा सा मिल्क पाउडर जैसे मैंने डिवाइड किया था, आप उसको इसके ऊपर कोटिंग कर लें। मैंने आपको कई ऑप्शन बता दिए जिससे आपका रेसिपी ख़राब ना हो, बट मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है। और जो इस पर थोड़ा सा चिपकने लगे तो उसको हटा दें, जो इसके नोक पर। पहले हम इसको चार भाग में ऐसे डिवाइड करके ही शेप दे देंगे, फिर उसके बीच बीच में हम देंगे ऐसे डिजाइन। ये देखिए आप देख सकते हैं, अब इसके बीच में हम प्लाकर से डिजाइन देंगे ऐसा ही। ये देखिए आपको जूम करके मैं दिखा देती हूँ फ्रेंड्स, ये छोटा बच्चा भी बना सकता है, बट बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है और खाने में बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है ये। ये देखिए मैंने सारे बनाकर रेडी के लिए, देखिए कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। और ये मैंने छलनी ली है, आपको बहुत ज़्यादा फाइन वाली नहीं लेनी है, जिसमें होल थोड़े दूर 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 पर हो, वही छलनी का यूज़ करना है। और इसके अंदर से हम ऐसे प्रेस करेंगे तो ये देखिए ऊपर में ये आ जाता है, और इससे हम डिज़ाइन देने वाले हैं। और फ्रेंड्स अब आपको बताती हूँ लॉन्ग मैंने क्यों दिखाया, अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पर लॉन्ग को लगा दें, तो उससे लगेगा कि जैसे आपने किसी फ्रूट के ऊपर जैसे एक डंडी होती, स्टिक होती, वैसा लुक आ जाएगा। ये देखिए, बट मैंने ऐसे लुक दिया है इसको, मैंने छलनी से बनाया है, मैंने इसलिए लॉन्ग दिखाया। मैंने आपको कई ऑप्शन दिए कि आप ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। और देखिए कितनी अट्रैक्टिव लग रही थी, आपने देखा ये फ्रेंड्स, इसको देखते ही लोग खाने के लिए दौड़ पड़ेंगे। और आपको कट करके भी मैं दिखा देती हूँ कितनी सुपर सॉफ्ट है, खाने में बहुत ही डिलीशियस लगेगी। तो फ्रेंड्स आप ट्राई ज़रूर करना इस फेस्टिवल में। आई होप फ्रेंड्स मेरी ये मिल्क पाउडर से बनी हुई स्वीट्स रेसिपी आपको पसंद आई हो, तो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को, और लाइक कमेंट भी करना। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मोटिवेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू टू फैमिली।